हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड सब टेक्टो में। स्टूडेंट, दो बड़ी अपडेट हैं इग्नू के एंट्रेंस टेस्ट को लेकर। देखिए, हाल ही में इग्नू ने बीएससी नर्सिंग और बीएड के एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे कैसे और कहाँ से आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, क्योंकि ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में बने रहें, कंप्लीट एंड ध्यान से जरूर देखें, इसमें सारे ही पॉइंट आपको क्लियर आउट होने वाले हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। आइए स्टूडेंट, बात करते हैं बिना किसी देरी के सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं बीएड के एंट्रेंस टेस्ट के एडमिट कार्ड के बारे में। और देखिए, यहाँ पे इग्नू ने, आप देख पा रहे हैं, एडमिट कार्ड फॉर बीएड एंट्रेंस टेस्ट फॉर जनवरी 2022 सेशन। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पर लॉग इन टू डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें दो प्रोसेस दिए हुए हैं जिसके जरिए आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है कंट्रोल नंबर या फिर फॉर्म नंबर, उसके जरिए आप लोग अपने एडमिट कार्ड को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो प्रोवाइड किया गया है वो मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से है, जिसके जरिए आप सर्च कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को। तो ये सभी पॉइंट हैं आपके बीएड के एंट्रेंस टेस्ट के एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। इस पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आप सभी को जान लेने हैं। यहाँ पे देखिए, जो एडमिट कार्ड जो हॉल टिकट आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, उसका आप प्रिंट ले लेना, जो कि आपको एंट्री के वक्त काम आएगी। और इसमें एक और पॉइंट जो मेंशन किया है उस पर ही हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटर की टाइमिंग वगैरह मेंशन की है, तो आप सभी लोग के लिए जो टाइमिंग यहाँ पर मैंशन किया आप देख लीजिए। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:15 AM रहने वाला है और एंट्री जो परमिट की जाएगी वो 10:15 AM है। तो आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर एडमिशन टू द एंट्रेंस टेस्ट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन लेड आउट बाय द यूनिवर्सिटी। और देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है, बहुत बेसिक है। अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो बीएड के लिए रिक्वायर्ड है इग्नू के अंदर, राइट। दूसरा पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के विषय में है कि आपका एग्ज़ाम किस पे में रहने वाला है। तो यहाँ पे पेन एंड पेपर मोड रहेगा, जिसमें आपको ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना है। OMR सीट पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड को आपको यहां से डाउनलोड कर लेना और अपने साथ में रखना है, राइट। और एक और पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी रिजेक्टेड इफ़, फर्स्ट पॉइंट है, दिस एडमिट कार्ड इज़ नॉट अटैच। सेकंड, द रिजल्ट कार्ड इन ओरिजिनल इज़ नॉट अटैच, यू मे रिटेन ए फोटो कॉपी ऑफ रिजल्ट कार्ड फॉर योर रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वन, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से UFM के चार्जेस काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ लगाती हैं, वो ये है, सेल फोन, पेजेस, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जो कि आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते, जो कि एक कॉमन सी बात है और आप लोगों को याद रखना है। अगर आप डिजिटल वॉच वगैरह या फिर कैलकुलेटर वगैरह लेके जाते हैं तो आपकी वहाँ पर एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये प्रोसेस है जिसके जरिए आप लोग अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ईजिली क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। अब दूसरी अपडेट पे बात करते हैं, जो कि है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जनवरी 2022 सेशन। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हैं, रजिस्टर्ड यूज़र जो भी हैं उनको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो रजिस्टर्ड यूज़र नेम है उसे डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा फिल करना है। लॉग इन करने के बाद में एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके लिए आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन सेम है जो आप सभी ने एग्जामिनेशन फॉर्म और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसे फिल करते वक्त देखे होंगे। सो आई होप कि आपको सारी पॉइंट यहां से क्लियर हो गए हो। साथ ही सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिलती रहें। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।